अल्बर्ट आइंस्टाइन कहीं जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा एक टिकट चेकर उनके पास आ रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि टिकट चेकर उनके पास आ रहा है तो उन्होंने अपनी टिकट ढूंढनी चाहिए। उन्होंने अपनी शर्ट की जेब देखी, उन्होंने अपने पैंट की जेब देखी, बट उनको टिकट नहीं मिल रही थी। सो वो जो टिकट चेकर था वो जानता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनका नाम है पूरी दुनिया में। तो टिकट चेकर ने उनसे कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि आपने टिकट ली होगी और मैं आपको जानता हूँ, सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टिकट मत दिखाओ। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन फिर भी ढूंढ रहा होता है। आइंस्टाइन अब अपने बैग खोल देता है, आइंस्टाइन क्या करता है, सीट के नीचे देखने लग जाता है अपनी टिकट को। तो वो टिकट चेकर फिर पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है, डॉक्टर आइंस्टाइन रिलैक्स, मैं आपसे टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मुझे भरोसा है आप टिकट लेकर चढ़े हो गए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पता है क्या जवाब देते हैं, वो बात तो ठीक है लेकिन अगर मेरी टिकट नहीं मिली तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। यू नो, इस टाइप का भुलक्कड़ इंसान, अगर सोचो ये घटना हमारे आसपास हुई होती और आइंस्टीन जैसा कोई महान व्यक्ति ऐसे टिकट भूल चुका होता, सो हम आसपास के लोग ऐसे इंडियन सोसाइटी कैसे देखते, यार इतना महान व्यक्ति हो गए कि टिकट कैसे भूल गया, यार इसको टिकट नहीं भूलनी चाहिए, यार लग रहा है ना ये पैसे वैसे खिलाकर महान व्यक्ति बनाए। नहीं, इसके ना गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन होगा तभी इतना महान व्यक्ति बनाए। लोगों को हम जज करना स्टार्ट कर देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन में 10 से 12 घंटे सोते थे। अब आप कहोगे, यार 10 से 12 घंटे सोता था तो इतना महान व्यक्ति कैसे बन गया ये? 10 से 12 घंटे सोने वाला पर्सन इज इक्वल टू MC² थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इतनी जबरदस्त थ्योरी बना रहा है, सबसे ज़्यादा IQ उसका हुआ है। और हम इंडियन सोसाइटी में ऐसे देखते कि यार 10 से 12 घंटे सोते हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, जो सोवत है सो खोवत है। हमेशा ध्यान रखना अपने गोल पर और अपनी डायरेक्शन पर, जो आप करना चाहते हो उसको हर हालत में करना है आपको, चाहे आपसे कोई भी कुछ भी कहे। वो कहते ना ऐसे करके यूं सीधे, जैसे घोड़ा चलता है तो घोड़ा यूं करके देखता है ना, इधर देखता है ना उधर देखता है, सीधे सीधे देखता है जो उसे करना होता है। सो आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।